नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद। वक्त प्रॉपर्टी का खेल, जी हाँ, इसको खेल ही कहा जाएगा। जिस तरीके से वक्त प्रॉपर्टियों में अध्यक्ष पद की होड़ मचती है, उसको लेकर पैसे का खेल जबरदस्त तरीके से किया जाता, जिसका एक उदाहरण आज रीवा में देख रहे हैं। रीवा में छोटी दरगाह जहाँ पर लाखों रुपए किराए के रूप में आते हैं, उसकी बंदर बांट करने के लिए अध्यक्ष पद के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। पूर्व अध्यक्ष अनस अब्बासी का कार्यकाल खत्म हुआ। अगले कार्यकाल के लिए यहाँ के जो वक्फ बोर्ड अध्यक्ष थे इरफान, उन्होंने 5 लाख रुपए की उनसे घूस मांगी। मामला 1 लाख रुपए पर आकर तय हुआ। 1 लाख रुपए रकम लेकर अनस अब्बासी को इरफान ने रीवा के आर्य अस्पताल के पास धोबिया टंकी के पास बुलाया। इसकी शिकायत अनस ने पैसे ही लोकायुक्त में कर दी थी। लोकायुक्त पुलिस वहां पर मौजूद थी। जैसे ही अनस ने 1 लाख रुपए इरफान को दिया, लोकायुक्त पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। रीवा के कंट्रोल रूम पर लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही। हम आपको सुनाते हैं इस मामले में अनस अब्बासी और लोकायुक्त पुलिस ने क्या कुछ कहा। जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष इरफान खान के जी द्वारा मुझे पैसे की 5 लाख की मांग की गई थी और उनके द्वारा ये धमकी दी जा रही थी कि आपने अच्छा काम तो किया है छोटी दरगाह में और आप अन्य वक्फों में अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो आप हमको भी कुछ दीजिए, तो नहीं तो हम आपको परेशान करेंगे। तो इसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त एसपी महोदय से की। एसपी साहब ने हमको प्रक्रिया समझाई कि इस प्रक्रिया से टेप रिकॉर्डर लेकर आपको जाना है, इस तरह इसको कानूनी प्रक्रिया में लाना है। जी नहीं, कि हम आपको कार्रवाई करेंगे, आपकी शिकायतें हैं मेरे पास, ऐसा कहा। जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष इरफान खान द्वारा उनसे शिकायतों का निराकरण एवं पद से हटाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, इनको रिश्वत देते पकड़वाना चाहता हूं। शिकायत सत्यापन किया गया और उनके द्वारा जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष द्वारा फिर 1 लाख रुपए की अंतिम डिमांड की गई कि मैं मैनेज कर लूँगा, 1 लाख रुपए आप दीजिए। उस आधार पर आज 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ने रंगे हाथों पकड़ा गया है।